सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। मेरे चैनल यूएससी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि कौन सा रुपया समूह का है, कौन सा रुपया सरकार का है और कौन सा रुपया बैंक का है। हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं समूह चला रही हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि कौन सा रुपया सरकार का है, कौन सा रुपया बैंक का है और कौन सा रुपया समूह का है। तो आइए दीदी, आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि कौन सा रुपया सरकार का है। नंबर एक पे दीदी CIF सामुदायिक निवेश निधि, यह राशि दीदी 1,10,000 रुपए की आती है। दीदी यह राशि दीदी सरकार ग्राम संगठन के खाते में देती है। यदि आपके ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन नहीं बना है तो यह राशि समूह के बचत खाते में सरकार देती है। इसका ब्याज प्रतिमाह 1% सैकड़ा है। 1% का आधा ब्याज समूह में जमा किया जाता है और 1% का आधा ब्याज प्रतिमाह ग्राम संगठन में जमा किया जाता है। जहां ग्राम संगठन नहीं बना है वहां यह रुपया समूह के बचत खाते में ही जमा किया जाएगा और जब ग्राम संगठन बन जाएगा तब यह रुपया ब्याज सहित कई किस्तों में ग्राम संगठन के खाते में जमा करना पड़ेगा। यह रुपया सरकार का है। इस रुपये से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए प्रतिमाह 1% सैकड़ा ब्याज पर लेन देन करती हैं और समय से कई किस्तों में ब्याज सहित यह रुपया ग्राम संगठन में जमा करती हैं। यह रुपया दीदी सरकार का है। जब तक आप सब समूह चलाएंगी तब तक यह रुपया आपके समूह में रहेगा और जब आप सब समूह नहीं चलाएंगे तो यह रुपया दीदी सरकार को वापस करना पड़ेगा। तो दीदी समझ में आ गया होगा कि यह रुपया सरकार का है। दूसरा है दीदी आजीविका निधि, यह राशि दीदी 2,00,000 की है। सरकार ग्राम संगठन के ही खाते में देती है, समूह के खाते में नहीं देती है। इसका ब्याज दीदी प्रतिमाह 1% सैकड़ा है। यह राशि दीदी कृषि कार्य के लिए आजीविका बढ़ाने के लिए दिया गया है। जैसे कृषि कार्य मछली पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, गाय पालन, समूह की महिलाएं यह राशि दीदी सीधा ग्राम संगठन से ले सकती हैं और कई किस्तों में ब्याज सहित ग्राम संगठन में जमा कर सकती हैं। हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यह राशि आवश्यकता पड़ने पर ले सकती हैं और समय से कई किस्तों में यह रुपया ग्राम संगठन में जमा कर सकती हैं। तो दीदी यह रुपया सरकार का है। हर हाल में हमें यह रुपया ब्याज सहित जमा करना पड़ेगा। तीसरा फंड आता है दीदी जोखिम निवारण निधि, यह राशि दीदी प्रत्येक सदस्य पर 1500 रुपया निर्धारित किया जाता है। जैसे आपके ग्राम संगठन में 100 सदस्य हैं तो 1,50,000 रुपया सरकार आपके ग्राम संगठन में देती है। इस फंड को जोखिम निवारण निधि कहते हैं। यदि समूह में किसी महिला के ऊपर कोई आपदा आ गई है, जैसे घर में आग लग जाना, महिला के साथ दुर्घटना हो जाना, कोई महिला गरीब है उसके पास खाने के लिए राशन नहीं है, तो ऐसी दशा में यह रुपया बिना ब्याज पर ग्राम संगठन उस महिला को देता है और जब उस महिला की आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाता है तो वह महिला बिना ब्याज के यह रुपया ग्राम संगठन में जमा कर देती है। यदि जमा नहीं करेंगी तो ग्राम संगठन दूसरी महिला की मदद नहीं कर सकता। यह रुपया दीदी सरकार का है, इसे जमा करना पड़ेगा। चौथा फंड आता है दीदी कृषि प्रेरणा यंत्र खरीदने के लिए, यह राशि दीदी सरकार 2,00,000 की देती है। यह राशि दीदी ग्राम संगठन के ही खाते में आती है। यह राशि दीदी समूह के खाते में नहीं आती है। इस राशि से दीदी ग्राम संगठन सर्वसम्मत से कृषि प्रेरणा यंत्र खरीदा जाता है, जैसे धान गेहूं काटने वाली मशीन, पंपा सेट, सिंचाई करने वाली पाइप, दवा छिड़कने वाली मशीन, गुड़ाई करने वाली मशीन
आदि प्रकार की मशीनरी खरीदी जाती है। प्रत्येक मशीनरी पर ग्राम संगठन सर्वसम्मत से किराया निर्धारित किया है। समूह की या गांव की कोई भी महिला कृषि कार्य के लिए जब यंत्र ले जाती हैं वो ग्राम संगठन में किराया जमा करती हैं। सभी यंत्र कृषि सखी के देखरेख में रखा जाता है। यह यंत्र दीदी सरकार का है, सरकार आप सब का सहयोग कर रही है और इस यंत्र से हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कृषि कार्य में आगे बढ़ रही हैं। आइए दीदी जानते हैं कि कौन सा रुपया बैंक का है। जब स्वयं सहायता समूह 6 माह का हो जाता है और समूह 5 सूत्र का पालन करता है तो समूह का बैंक से CCL करवा दिया जाता है, जिसको कहते हैं बैंक लिंकेज। पहले 50,000 का CCL होता था, अब 5 लाख का CCL हो रहा है। CCL का ब्याज 7% सालाना लगता है। यदि आपका समूह समय से लेन देन करता है तो बैंक 3% ब्याज आपके समूह के बचत खाते में ट्रांसफर कर देता है। CCL का पैसा दीदी बैंक का है, यह पैसा दीदी आप सबको हर हाल में जमा करना पड़ेगा। यदि आप लोग CCL से पैसा निकाली हैं, अगर जमा नहीं कर रही हैं तो दीदी आपके समूह के नाम नोटिस भी कट सकती है और सब प्रत्येक सदस्य को जमा करना पड़ेगा। ये तो रहा दीदी बैंक का पैसा। आशा करती हूँ कि आप सबके समझ में आ गया होगा कि कौन सा पैसा बैंक का है। तो आइए दीदी अब जानते हैं कि कौन सा रुपया समूह का है। अपनी पूंजी क्या है, समूह की अपनी पूंजी क्या है। नंबर 1 पे है दीदी सदस्यों द्वारा बचत 10 रुपया। नंबर 2 दीदी RF 15,000। नंबर 3 दीदी सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति। नंबर 4 दीदी समूह बचत खाते पर ब्याज प्राप्ति। नंबर 5 दीदी दंड शुल्क। नंबर 6 दीदी संस्थागत शुल्क। संस्थागत शुल्क दीदी प्रत्येक समूह में नहीं मिलता है, जिस समूह से ICRP VOCRP CLF CRP कैडर के रूप में काम करती हैं तो उसी समूह को संस्थागत शुल्क मिलता है। 7 नंबर पे है दीदी अन्य संस्थागत शुल्क, जैसे कि समाज सेवी व्यक्ति, जैसे आपके गांव में कोई नेता मंत्री अगर आते हैं, आपके समूह में भ्रमण करते हैं, आपके समूह में अनुदान देते हैं 2,000, 3,000, 5,000 रुपया, यह भी पैसा दीदी आपकी समूह की पूंजी है, आप ही लोगों का यह भी पैसा बनता है। ये सब दीदी समूह का पैसा है। यह रुपया दीदी आप सबसे कोई नहीं ले सकता। यह जानकारी दीदी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय समूह जय आजीविका। मिलते हैं एक और खबर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।